या किसी का खून नहीं। देखते हैं कब तक कबूल नहीं करेगा तू। ए, जब तक कबूल नहीं कर ले इसकी धुलाई करते रहो। मैं अभी आया। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। जिया जी बल्लू सब आप। बलराम हमने तुम्हारी जमानत दे दी है। सब हमने किसी का खून नहीं किया। हम जानता हूं बलराम, अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को जिंदगी देने वाला किसी की जिंदगी ले नहीं सकता है। तुम्हें पहचाने में दुनिया भूल कर सकती है, पुलिस भूल कर सकती है, लेकिन बजरंग पांडे भूल नहीं कर सकता है। अरे हम तो आदमी को देखते हैं उसकी नस्ल पहचान लेता हूँ। अरे भैया बलराम, अगर हमको पहले से मालूम होता तो 8 दिन नहीं लगते, 2 ही मिनट में छुड़वा लेते। नहीं सब, मैं पहले देविका से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, चलिए घर चल के बताते। ये लोग कौन? ये लोग तो शहर चले गए। कब? 5-6 रोज हुए हैं। सुना है उसके मामा ने कोई लड़का देख रखा था उसके लिए, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। नहीं और नहीं तो क्या, तेरा इंतजार करती कि बलराम जेल से आएगा और शादी करेगा? जा जा भूल जा उसे और ऐसी खुशी जिंदगी बिताने दे उसे। टाइगर का आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे मालूम होता देविका चली गई तो आपको जमानत नहीं देने देता साहब, खून के इल्जाम में फांसी चढ़ जाता। जी कर क्या करता, अब इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है। तो आओ हमारे साथ, हम तुमको अपनी नई दुनिया में ले चलता। ताला आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मुझे लगा जैसे उस गरीब टूरिस्ट गाइड के अरमान, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत को कैद करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। हेलो, हम बलू टाइगर बोलते हैं ना? हम ललन झा बोल रहा हूँ, बजरंग पांडे का साला। मुझे थैंक यू, बहुत बड़ा खुशी का बात है बल्लू कि हमरे जीजा जी जमानत पे छूट के घर आ गए हैं। हाँ, अरे भगवान का बहुत बड़ा कृपा हुआ भैया, वरना वो एसीपी तो पक्का इरादा कर लिए थे कि हमरा जीजा जी की दोनों टांगे और बाया हाथ काट के दाएं हाथ में कटोरा थमा दे। लेकिन वो जानते नहीं है ना कि वो जमाना गया जब जीजा जी भीख मांगा करते थे। क्या बकते हो मामा, पोपट हो गए हो क्या? लो मिर्ची तो खुद खाते हैं और हमको पोपट बोलते हैं। लीजिए फोनवा लीजिए, बात कीजिए। हेलो, वंडरफुल बल्लू वंडरफुल। अरे भाई का काम किया हो? अरे भाई इसलिए तो हमने तुम्हारा नाम टाइगर रखा है, अगर हमारे सामने होते ना तो हम तुम्हारा मुंह चूम लेते। लो सुनो बल्लू भाई, तुमने तो अपना काम बरोबर किया था, मगर उस साला एसीपी की जान जो है ना बड़ी जिद्दी और बेशरम जान है, आसानी से एसीपी की बाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, छोड़ देगी, बहुत जल्द छोड़ देगी बाड़ी। सुनो बल्लू, अस्पताल में जो डॉक्टर एसीपी की दवा दारू कर रहा है ना, उसके परिवार को पकड़ के हमने अपने गोदाम में बंद कर रखा है। अब वो ही करेगा जो हम चाहेंगे। जो काम तुम्हारी गोली का जहर नहीं कर सका ना, डॉक्टर का जहर का इंजेक्शन करेगा। Ha 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 ha
अगर मैंने इसे नहीं मारा तो वो लोग मेरे बीवी बच्चों को मार डालेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल को मैं आग लगा दूंगा। घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ले जा इसे, ले जा। आज नहीं पियोगे? कभी नहीं पीऊंगा। क्यों? पहले गम भुलाने के लिए पीता था, लेकिन आज जो खुशी मिली है उसे पीकर भुलाना नहीं चाहता। मधु, इन हाथों ने बहुत सारे खून किए हैं और हर खून के बदले मुझे ढेरों नोट मिले हैं, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिली जितनी किसी को नई जिंदगी देने में मिलती है। ऐसा पब्लिक नहीं बोलती, बल्लू बोलता है। बल्लू, तुम कितने अजीब इंसान हो। तुम्हें समझने के लिए दिल चाहिए, एहसास चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें समझा। और अचानक यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हें चाहने लगी। कैसे बदलेंगे ये हाथ।
हाथों की चंद लकीरें टूटी है ना टूटेंगी किस्मत की ये जंजीर है समझ बोर हुआ टूट के मैं चोर हुआ मैं बेसहारा हूँ एक टूटा तारा हूँ हाँ तारा हूँ कैसा आवारा हूँ आवारा हूँ से बांटेगा कोई मेरे दिल की तन्हाई ले देखे एक खुशी थी मुझको वो रास न आई जिनका बहाना मेरा गुजरा जमाना मेरा दिल अपना हारा हूँ एक टूटा तारा हूँ हाँ तारा हूँ कैसा आवारा हूँ किया रे हमरे इशारे पर तूने एसीपी पर गोली तो चला दी पर उनका बचाने के लिए अस्पताल का ही चला गया अरे डॉक्टर की पत्नी और उसके बच्चे को छुड़वाकर कर दिया उनको डॉक्टर के हवाले और उस ससुर ने जान बचा ली उसकी बोल काहे क्या तूने ऐसा पैसा पैसा कम था है? अरे तू नहीं जानता है तोरी हरकत से हमरे दिल को कितना धक्का लगा है कितना दुख हुआ है हमरे मन को हम जानना चाहते हैं कि तोरी हरकत की वजह क्या थी बोल बोल आपके इशारे पर हमने बहुत खून किए हमने कोई वजह नहीं पूछी एक को बचाया वजह मत पूछिए अरे बन क्यों बचाया उसे कि बीवी तेरे साथ सो गई थी क्या नहीं बल्लू नहीं बल्लू नहीं तुम्हारे पिता ने हमको सहारा दिया इसलिए छोड़ देता हूं वरना कब का बेसहारा कर देता